नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। एक तरफ पूरे देश में होलिका दहन की तैयारी चल रही थी, क्योंकि दूसरे दिन होली थी और यह परंपरा सालों से चली आ रही है। लेकिन आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के मंगीतपुर गांव में आस्था और धर्म से विश्वास उठ रहा है। वही बच्चों ने सुबह 8 बजे होलिका को जलाया, जिससे बच्चों में होली त्यौहार को लेकर मायूसी छाई रही। बच्चों में होली खेलने को लेकर उत्साह नहीं दिखा। वही जब हमारे संवाददाता ने मंगीतपुर के बच्चों से बातचीत की तो वहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है? सोनू वर्मा हमारा नाम है। मंगीतपुर हमारा गाँव है। क्या क्या समस्या है? हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे यहाँ होलिका जो है आज सुबह 8 बजे जली है, और समस्या ये थी कि गांव वाले कोई कह रहा हमारी मंडाई उठा ले जाएँ, कोई कह रहा हमारा गुहारा उठा ले जाएँ। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जो है खेत से पतई, ऊँख वाली खेत से पतई और पुअरा वरा इधर उधर से बटोर के जलाते थे। इसी कारण हमारी गाँव की होलिका आज 29 तारीख को सुबह 8 बजे होलिका हमारे यहाँ जरा है। इसी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर सभी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर करनी चाहिए, जिसे कोर्ट सुनवाई करके इसका निदान निकाल सके। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग आरक्षण को लेकर के चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं। उन्हें कोर्ट के सामने आना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए, जिससे पंचायत चुनाव में आरक्षण सही ढंग से लागू हो सके। उन्होंने कहा कि समय कम है और जल्द से जल्द अपनी याचिका दाखिल करें, जिसे सर्वोच्च न्यायालय जल्द से जल्द सुनवाई कर सके। उन्होंने कहा कि अपील के निस्तारण के बिना चुनाव होता है तो इससे लोगों में संदेह बना रहेगा और यह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की सीटों के बंटवारे को लेकर यदि भ्रष्टाचार हुआ है और प्रशासन भ्रष्टाचार के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया है, तो उसकी जाँच सरकार को गहनता से की जानी चाहिए। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं उनकी जुबानी। पंचायत चुनाव को लेकर जो आपके सवाल हैं उनमें साफ तौर में कह रहा हूं, यदि भ्रष्टाचार हुआ है, यदि भ्रष्टाचार के आधार पर सीटों का बंटवारा प्रशासन ने किया है तो वो जांच का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार को बस गहनता से जांच करानी चाहिए और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को भी उस पर सुनवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, जब तक आपत्तियों का जो ऑब्जेक्शन है उनका निस्तारण नहीं होगा, डिस्पोजल फेयर निस्तारण निष्पक्ष रूप से निस्तारण नहीं होगा, तब तक वो डाउटफुल है और उस आधार पर कराया गया चुनाव खुद में संदेहास्पद रहेगा, संदेहपूर्ण रहेगा। कुछ लोगों की इसी बात को लेके मांग है कि हम बहिष्कार करेंगे चुनाव का। कुछ गांव से ऐसी बातें आ रही हैं, फोन कर रहे हैं लोग कि हम पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके में यदि चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, सबसे छोटी और सबसे मजबूत संस्था जो पंचायत प्रधान और है उसका अगर बहिष्कार किया जाएगा तो वो भी सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, शासन के लिए बहुत ही गलत रहेगा, लोकतांत्रिक पद्धति के लिए, सिस्टम के लिए गलत रहेगा। इसलिए यह है कि जब तक सभी याचिकाकर्ता, इसमें याचिकाकर्ता क्या सोच रहे हैं, उसका हो जाएगा तो हमारा भी हो जाएगा। जब तक याचिकाकर्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिकाएं जो ऑब्जेक्शन के आधार पर नहीं पहुंचेंगी, नहीं फाइल करेंगे, नहीं सुनवाई करेंगे, तब तक बड़ा मुश्किल पड़ेगा। समय बहुत कम है। प्रथम चरण के चुनाव के नॉमिनेशन शुरू होने वाले हैं, छुट्टियां भी थी, होली भी मनानी थी, समय बहुत कम रखा है सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने। इस परिस्थिति को देखते हुए सभी ऑब्जेक्शन कर्ता जो हैं, जिन्होंने आपत्ति करता है, जिन्हें आपत्तियां हैं, जिन्होंने आंकड़ों के साथ अपनी आपत्तियां दी हैं, उनको बहुत शीघ्र उसमें कार्रवाई करके आगे प्रोसीडिंग कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। कानून के सहारे से ही आप अपने अधिकारों को पा सकते हैं। जनप्रतिनिधि आपने देख लिए, आपने सरकार के अपने चुने हुए प्रतिनिधि देख लिए, वो आपकी नहीं सुनवाई कर पा रहे, कुछ ना कुछ उनकी मजबूरियां रही होंगी। कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कोई कारण रहे होंगे उनके, इसलिए वो नहीं कर पा रहे। इसलिए आपको अपने अधिकारों के, लोक जन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के आधार पर, पंचायत राज अधिनियम के आधार पर, लोकतांत्रिक तरीके से, इलेक्शन कमीशन के तरीके से, जो भी आपके पास ऑप्शन है, लीगल ऑप्शन है, कानूनी ऑप्शन है, उनको आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आकर याचिका लगाकर आपकी याचिका को अदालत सुनेगी। माननीय अदालत आपकी याचिकाओं को सुनेगी। उन्हें बहुत कंसर्न है इस बात से कि हमारी सबसे लोकतांत्रिक पद्धति है वो सफल है ग्रामीण स्तर की। कल होली का त्यौहार तो खत्म हो गया, लेकिन अभी लोग होली के बाद भी एक दूसरे के घरों पर जाकर बधाइयां देना जारी है और यह कार्यक्रम लगातार एक सप्ताह तक जारी रहेगा। फागुन का महीना चढ़ता ही वैसे ही पूरा देश होलीमय हो जाता है।
हिंदू धर्म के अनुसार यह त्यौहार भाईचारे का त्यौहार होता है। इसके तहत पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा के घर पर भी होली के पावन पर्व पर लोगों का पहुंचना जारी था और बधाइयां दे रहे थे, जिस कारण पूर्व मंत्री के गांव गद्दोपुर में लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी रहा और लोग जमकर होली मिलन किए। पूर्व मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम कई दिनों तक चलता रहेगा और लोगों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है और उन्होंने सभी को तहे दिल से बधाई भी दी। आजमगढ़ के अथरौलिया थाना क्षेत्र के परमेश्वरपुर निवासी गुड्डू यादव पुत्र राम पूजन यादव का खेत सिनेमा हॉल के पीछे था। खेत के बीचों बीच विद्युत तार का पोल लगा हुआ है। दोपहर लगभग 12 बजे के समथिंग करीब शॉर्ट सर्किट से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई, जिससे पूरी फसल जलकर नष्ट हो गई। सूचना पाकर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, तब तक गेहूं की खड़ी फसल जलकर नष्ट हो गई थी। किसान गुड्डू यादव ने बताया कि मेरे पास टोटल 15 बिस्वा ही जमीन थी जिसमें गेहूं बोया गया था। आज दोपहर में सब लोग होली का त्यौहार मना रहे थे कि अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने से पूरी गेहूं की खड़ी फसल जलकर स्वाह हो गई और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। आइए सुनाते हैं किसान गुड्डू यादव ने क्या कुछ कहा। आपका भैया गुड्डू यादव, कैसे लगी आग इसके बारे में बताइए। सर्किट से जो है देखिए यहाँ पे जो है लाइट है और वहाँ पे कोई पक्षी बैठी है और वहाँ पे सर तार जो है आपस में सट के सर्किट से आग लगी है और गांव वालों की मदद से करीब हमारा 15 बीघे का जो है नुकसान हुआ है और गांव वालों की मदद से हम लोग आके पूरे गांव के कई गांव के मिलके जो है यहां आके आग बुताए हैं। लगभग कितने बजे घटना है? करीब करीब यही जो है 12 के आसपास ही घटना है। गांव में होली का त्यौहार था, सब लोग उधर उधर होली खेल रहे थे। कुछ लोग जो है इधर गाँव में जाके बताए कि वहाँ पर आग लग गई है और उसके बाद पूरे गाँव वाले जुट के आए हैं, उस गाँव वालों की मदद से ये जो है कैसे आपको कंट्रोल किया गया। श्रीनगर के इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पोलो ग्राउंड में इंडियन पेंचक सिलाट फेडरेशन और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा 24 से 28 मार्च तक आयोजित 9वीं नेशनल सीनियर पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की टीम से 85-90 किलो भार वर्ग में सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने प्रतिभाग किया था, जिसमें स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने आजमगढ़ जनपद सहित पूरे उत्तर प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया है। पेंचक सिलाट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष यशपाल सिंह ने कहा कि इस नेशनल चैंपियनशिप में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित सशस्त्र सीमा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस सहित कुल 33 टीमों से लगभग 1500 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश टीम से खेलते हुए आजमगढ़ के मूल निवासी सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने 85-90 किलो भार वर्ग में खेलते हुए जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक को फाइनल में तमिलनाडु के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा बरकरार रखा। सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव मूल रूप से थाबरपुर के ग्राम बेबीपुर के निवासी हैं। सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि अनवरत प्रैक्टिस के बाद पुनः इसी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने का अवसर प्राप्त हुआ है। गुरु श्री जसपाल सिंह के सही मार्गदर्शन में अभ्यास करने व माता पिता का हर कदम पर सहयोग मिलने के कारण यह जीत हासिल हुई। सिलाट एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष सजानंद राय, चेयरमैन और गौरव अग्रवाल, डॉक्टर सी के त्यागी सहित सैकड़ों लोगों ने उन्हें बधाइयां दिया व जनपदवासी उन्हें प्रोत्साहित करते रहे व उनके उज्जवल भविष्य की लोगों ने कामना भी किया। शाबाश शाबाश।
जीत गई ना। आजमगढ़ के वर्दा थाना क्षेत्र के सुनहरा गांव में दो सगे पाटीदारों में मारपीट हो गई, जिसमें एक के उपचार के दौरान मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनिल यादव की हत्या के मुख्य आरोपी निवर्तमान प्रधान रणविजय यादव के अवैध निर्माण पर बुलडोजर गर्जा और उसका मकान जमींदोज हो गया। बताया जा रहा है कि अनिल यादव पुत्र कढ़ाई का विपक्षियों से विवाद हो गया, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गए। बाद में स्वजन व गांव के लोग उन्हें घायल अवस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मार्टिनगंज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजन पुलिस को सूचना देते हुए शव को लेकर घर चले आए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर थाने पर चली गई। गांव में पुलिस पर बैठा दिया गया है और 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है। आपको बता दें कि अनिल अपने पिता के इकलौता संतान थे। मन में ग्राम प्रधान बनने का एक ख्वाब लिए एक हफ्ता पहले अहमदाबाद से घर आए थे। गांव वालों का कहना है कि अहमदाबाद में अनिल जींस की फैक्ट्री चला देते, उनका कारोबार बड़ा था। क्या कुछ कहा घटना के बारे में एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। कल थाना वर्धा के सोनहरा गाँव में शाम करीब 7:30 बजे दो सगे पटेदारों के बीच में आपस में शराब पीकर मारपीट हो गई। उस मारपीट के दौरान कुछ लोग घायल हुए और अनिल यादव नामक व्यक्ति को जौनपुर रेफर किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि कोई खुली चोट मृतक के नहीं थे, ऐसा प्रतीत होता है कि डंडे या लाठी की कोई चोट सिर में गहरी लग गई, अंदर लग गई और गुम चोट लगी और जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में 9 लोग नामजद किए गए हैं और जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त है वो गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी सभी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, दबिश भेजी गई है, बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति है, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। अम्बेडकर नगर जनपद में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राम प्रकाश यादव के भतीजे पर मुकदमा दर्ज होने से बड़ी संख्या में जलालपुर थाने पर पहुंचे भाजपाई। बीजेपी के जिला युवा मोर्चा के जिला मंत्री ने दर्ज कराया मुकदमा। कल दोनों में होली खेलने को लेकर विवाद हुआ था। मुकदमा दर्ज होने से भाजपाइयों में आक्रोश है। थाने में भाजपाई जमे रहे, एक तरफा कार्रवाई से भाजपाई नाराज हैं। उच्च अधिकारियों को बुलाने पर ये भाजपाई अड़े रहे। आज सुबह से ही विकास भवन में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सैकड़ों की जुटी भीड़ बताने के लिए काफी है कि इस कोरोना की महामारी से लोगों पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं विकास भवन में सरकारी अमला के बड़े अधिकारी के सामने ही लोगों की भीड़ जुटी रही है। अब आपको बताते हैं कि यह भीड़ यहाँ इकट्ठा क्यों हुई। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे गंभीर रोग से ग्रसित व विकलांग व्यक्तियों का प्रमाण पत्र जारी होना था और जिसके लिए एक मेडिकल बोर्ड भी गठित किया गया था, लेकिन 11 बजे आने वाले डॉक्टर 1 बजे पहुंचे। उसके सापेक्ष लगभग 300 से 400 की संख्या में विकलांग एवं गंभीर रोग से ग्रसित व्यक्ति उपस्थित हो गए, परंतु मौके पर 12 बजे तक कोई मेडिकल बोर्ड का सदस्य वहां उपस्थित नहीं हुआ। वहां पर ना तो मरीजों को किसी प्रकार की बैठने की सुविधा थी और ना ही किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। अब सवाल उठता है कि जिस विकास भवन में आला अधिकारी बैठे हैं वह इस तरह से लोग सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो फिर कहना ही क्या है। से बता दें। अच्छा, यहाँ किस लिए आए आप, क्या है मामला? यहाँ आए हैं हमारे विद्यालय के प्रचारक की ड्यूटी कटवाए। अच्छा, वह चोटिल हो गया है, एक्सीडेंट हो गया। हाँ, आए हैं काफ़ी देर से, यहाँ पे इतनी दुर्व्यवस्था है, गाइडलाइन भी नहीं कोई दे रहे हैं कि हम कैसे इनको ड्यूटी कटवाएं। अच्छा, डॉक्टर कितना आया है? डॉक्टर क्या आए हैं? डॉक्टर आए हैं, हमें लग रहा है कम से कम 6-7 लोग आए हैं। मतलब यहाँ बहुत दुर्व्यवस्था है, यहाँ पर है। हाँ, है, जनता यहाँ परेशान है, अधिकारी मस्त। कितने देर से आप आए हैं? अरे हमको आए हुए कम से कम 3 घंटे। मेरा नाम ऋषपाल राय है, मैं कंपनी विद्यालय के जिला कर्मचारी कार्यरत हूँ। सर, मैं बचपन से ही मेरा पैर और कमर मेरी चुनाव ड्यूटी में ब्लॉक सूची आई थी, उसमें विकलांग नाम ही नहीं,
उसमें नाम जुड़वाने के लिए मैं इतना परेशान हूँ, पैर से सब चल नहीं जा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, महिला इतनी भीड़ है कि कैसे मेरा नाम कटेगा। लापरवाही यहाँ पर है कुछ ना कुछ? बिल्कुल लापरवाही है, विभाग की भी लापरवाही है और सर इतनी भीड़ है कि इस भीड़ में तो मुश्किल लग रहा है कि मेरा नाम कट पाए। अम्बेडकर नगर जनपद से बड़ी खबर है, जहां सीओवीटी का एक युवक को थप्पड़ मारते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सड़क जाम कर रहे युवक को सीओसीटी रुक्मणी वर्मा ने उस समय थप्पड़ मारा जब वह सड़क जाम कर रहा था। सीओ द्वारा थप्पड़ मारते ही स्थानीय लोग उग्र हो गए और मौके की स्थिति बिगड़ सकती थी। लोगों का कहना है कि प्रदेश प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने बुझाने के बजाय लोगों को सीओ हड़काती नजर आई। बता दें कि युवक के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने महरुआ बाजार में सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे। आगामी चुनाव को देखते हुए शासन के निर्देश पर हर जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस किसी भी हालत में अपराधियों को फंसने के मूड में नहीं है, क्योंकि सामने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक बलिया विपिन टांडा के निर्देश में अपराध में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांसडी को एक बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि 29 मार्च 2021 को थाना बांसडी रोड अंतर्गत गेहूं के खेत में एक युवती की हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी और उसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आला अधिकारियों ने घटना का निरीक्षण किया और घटना के अनावरण हेतु SO 5T रोड को निर्देशित किया गया था। आज पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए बांसडी पुलिस ने युवती की हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही घटना में शामिल आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। कल दोपहर में 3 बजे सूचना प्राप्त हुई कि बांसडी रोड थाना क्षेत्र में एक गांव में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर गई, सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए तो पाया गया कि मृतका का घर पास में ही है और सभी लोगों से बातचीत हुई, मृतका के घर वालों से बात हुई, फॉरेंसिक टीम को बुलाकर पूरी सर्च कराई गई और जानकारी में आया कि ये लड़का जो पीछे खड़ा है नूर राजभर, इसके पुरानी इसकी जान पहचान थी और ये काफ़ी दिन से उसके पीछे लगा हुआ था और कुछ पैसे भी इसने इसको दिए थे। ये जब परसों रात में आया तो इसको मृतका को इसने बुलाया और इसकी कुछ बातचीत हुई, फिर इसने अपने पैसे वापस मांगे, उसने पैसे देने से मना किया, इस पर इसके द्वारा इसका गला काट के हत्या कर दी गई। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने COVID-19 के दृष्टिगत स्थानीय GGIC में स्थापित एकीकृत कमांड कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कंट्रोल रूम प्रभारी सहित कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले। उन्होंने इस स्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी अनुपस्थितियों को नो वर्क नो पे के सिद्धांत पर एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। बता दें कि मंडलायुक्त श्री पंत द्वारा मंगलवार को पूर्वाहन में किए गए औचक निरीक्षण के समय कंट्रोल रूम प्रभारी डॉक्टर वाईके राय के साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट वैभव सागर सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर गौतम चौधरी, सीएचओ ढाकल राम प्रजापति, DO अभिजीत कुमार यादव तथा सहायक अध्यापक राम नारायण प्रसाद, कृष्णानंद यादव, आलोक सिंह व ऋषि कुमार अनुपस्थित पाए गए, जबकि DO रवि मिश्रा, वरिष्ठ सहायक रामजी सिंह व संतोष कुमार सिंह उपस्थित थे, किंतु उनके द्वारा उपस्थित रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं बनाया गया। मंडलायुक्त ने सभी अनुपस्थितों का नो वर्क नो पे के सिद्धांत के आधार पर अनुपस्थित तिथि का वेतन काटने के साथ ही उनसे स्पष्टीकरण भी प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस हर जगह चेकिंग अभियान चला रही है, क्योंकि शासन का निर्देश है कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोई भी अपराधी किसी भी तरह घटना को अंजाम न दे। इसी के दरमियान रानी की सराय पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उसके पास से
गांजा भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है और साथ ही एक कार भी बरामद किया है। बता दें कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित नामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु चलाए गए अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में रानी की सराय पुलिस ने 7 किलो 398 ग्राम गांजा के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक अदद मोटर टाटा मारिनो इंडिगो कार बरामद किया है। कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जनकपुर गांव के बाहर बने बहुत पुराना राम जानकी मंदिर के सामने बने सिद्ध बाबा के मंदिर के नीचे बना तालघर में एक अज्ञात युवक का शव मिला। सुबह जब लोगों ने देखा तो उसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में कराया। मंदिर परिसर में एक चट्टान से के चबूतरे पर खून पड़ा था तथा खून से सनी ईंटा मिले। पास में एक जोड़ी चप्पल तथा गुटखा गिलास आदि सामान मौके से मिला। संभावना जताई जा रही है कि मृतक के चेहरे को ईंट से कुचला गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असवीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। स्वाट टीम प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर असवीर सिंह ने कहा कि एक अज्ञात युवक का शव मिला है, जांच की जा रही है, जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल मंदिर के आसपास के खेतों में इस समय फसल कटाई का काम चल रहा है, जहां दिन में अक्सर खेतों में काम करने वाले की चहल पहल रहती है। क्या कुछ कहा डॉक्टर एसवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक जालौन ने, सुनवाते हैं आपको। कोंच के अंतर्गत ग्राम टोपोर के आसपास की सीमा में एक धार्मिक स्थल के अंदर एक आदमी की डेड बॉडी मिली है, जिसके सिर पर ईंट से वार करना जो एफएसएल की टीम बता रही है, और उसमें जो अगल बगल में उसके ईंट भी बरामद हुई है, जिससे उसके सिर पर वार किया गया है। शराब के कुछ पाउच और कुछ शीशी बरामद हुई हैं, जिससे लगता है कि कुछ लोग आपस में बैठ के यहाँ शराब पिए होंगे। किसी चीज़ को लेकर इनमें आपस में कहासुनी हुई है, मारपीट हुई है, उसी के फलस्वरूप ये घटना हुई है। सर ट्रेस कर रहे हैं, अभी पहचान नहीं हुई है, जो मृतक है उसकी पहचान नहीं हुई है। जैसी पहचान होगी केस का अनावरण किया जाएगा।